भारत ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से रौंदते हुए फाइनल में जगह बनाई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में धमाल मचाते हुए फाइनल में एंट्री कर ली है। इससे पहले 2007 और 2014 में टीम इंडिया ने फाइनल खेला था। दोनों संस्करणों में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान रहे थे। अब टीम इंडिया 10 साल बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में फाइनल में पहुंची है। भारतीय टीम ने गुरुवार को सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड टीम को 68 रनों से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही 2 साल पुराना बदला भी ले लिया है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जब भी भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने आई हैं, तब तब दोनों के बीच रोमांचक जंग देखने को मिली है। गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। भारत के लिए रोहित शर्मा सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। रोहित ने 57 रनों की पारी खेली। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने 47, हार्दिक पांडे ने 23 रनों की पारी खेली। बता दें मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है और मैच की शुरुआत में बारिश के चलते ही देरी हुई। इसके साथ ही भारत की पारी के 8वें ओवर के बाद बारिश ने मैच में खलल डाला था। इंग्लैंड के लिए क्रिस जॉर्डन ने 3 विकेट निकाल कर दिया, जबकि सैम करन, ज़ुरोफा आर्चर, आदिल राशिद और रीस टापले ने 1-1 सफलता हासिल की। वहीं भारतीय टीम को 2022 में मेलबर्न में हुए सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने 10 विकेट से हराया था और इस मैच में भारत ने इंग्लिश टीम को हराकर उस हार का हिसाब चुकता किया है। अब टीम इंडिया को 29 जून दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला ब्रिजटाउन के केसिंगटन ओवल स्टेडियम में खेलना है, जो आज रात 8 बजे शुरू होगा, जिसके लिए टीम इंडिया बारबाडोस पहुंच चुकी है। बता दें भारत और इंग्लैंड की दोनों ही टीमों के बीच अब तक 24 टी20 मुकाबले खेले हुए हैं, जिसमें भारत ने 13 और इंग्लैंड ने 11 मैच जीते। यदि टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में दोनों टीमों के बीच टकराव के आंकड़े देखें तो इसमें भी भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमें बराबर नजर आती हैं। टी20 वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 5 मैच हुए हैं, जिनमें भारत ने 3 मुकाबले जीते और 2 हारे हैं।